17 अप्रैल को संगड़ा में होने वाले महाकुंभड़ी सम्मेलन को लेकर हाटी समिति ने की समीक्षा बैठक। रोनहाट शिलाई व पजोदा के बाद गिरिपार के संगड़ा में होगा हाटी समिति का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। महाकुंभड़ी स्वागत समिति तथा कांग्रेस मंडल अध्यक्ष तपेंद्र चौहान ने दी तैयारियों संबंधी विस्तृत जानकारी। वर्ष 1967 में बाबर जोहसार को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद से लगातार अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग कर रही है हाटी समिति। सिरमौर जिला के करीब 3 लाख की आबादी वाले गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग कर रही हाटी समिति द्वारा आगामी 17 अप्रैल को संगड़ा में किए जाने वाले महाकुंभड़ी सम्मेलन को लेकर मंगलवार को पंचायत हॉल में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में हाटी समिति की संगड़ा ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष रविंदर चौहान, महाकुंभड़ी स्वागत समिति तथा कांग्रेस रेणुकाजी मंडल अध्यक्ष तपेंद्र चौहान, किसान सभा जिला अध्यक्ष रमेश वर्मा, पीसीसी सदस्य यशपाल चौहान तथा हाटी समिति की स्थानीय इकाई के पदाधिकारी राजेंद्र सिंह, शिवचंद व लाल सिंह शास्त्री आदि ने महाकुंभड़ी सम्मेलन के बेहतरीन आयोजन को लेकर अपने सुझाव व विचार रखे। समिति पदाधिकारियों ने गिरिपार के सभी 144 पंचायतों से महाकुंभड़ी में 10,000 के करीब लोगों के पहुंचने का दावा किया और संगड़ा हेलीपैड पर यह महासम्मेलन होगा। महाकुंभड़ी स्वागत समिति तथा कांग्रेस मंडल अध्यक्ष तपेंद्र चौहान ने बताया कि आयोजन की तैयारी अंतिम चरण में है और अब तक 1 लाख से अधिक चंदा राशि भी इकट्ठा हो चुकी है। गौरतलब है कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में गिरिपार के रोनहाट शिलाई व पजोदा के बाद संगड़ा में हाटी समिति का महाकुंभड़ी के नाम से यह बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। गौरतलब है कि 1967 में तत्कालीन यूपी के बाबर जोहसार क्षेत्र को स्टेटस मिलने के बाद से लगातार गिरिपारवासी जनजातीय दर्जा मांग रहे हैं, मगर केंद्र सरकार द्वारा बार बार गिरिपार, डोडरा, ग्वार और बड़ा बंगाल आदि हिमाचल के दूर दराज इलाकों के लोगों की इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। 1970 के दशक से गिरिपार में लगभग सभी लोकसभा व विधानसभा चुनाव के दौरान क्षेत्र के आला भाजपा कांग्रेस नेताओं द्वारा हालांकि गिरिपार वासियों को अनुसूचित जनजाति दर्जे के वादे का लॉलीपॉप थमाया जाता है, मगर चुनाव संपन्न होते ही यह मुद्दा फिर से ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। कुछ अर्से पहले रोनहाट व पौंटा में हुई हाटी समिति की बैठकों में हालांकि तहसील अथवा ब्लॉक इकाई से जुड़े समिति पदाधिकारियों द्वारा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नेताओं को इलाके में न घुसने देने संबंधी चेतावनी अथवा धमकियां भी दी गई थी, मगर केंद्रीय हाटी समिति पदाधिकारियों के अनुसार उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से मांग पूरी होने की उम्मीद है। बैठक के बाद समिति की संगड़ा ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष रविंदर चौहान ने द ट्रिब्यून में छपी सेंट्रल रिफ्यूज ट्राइबल स्टेटस शीर्षक वाली खबर को भ्रामक बताया और केंद्रीय हाटी समिति हवाले से जारी बयान में इसका स्पष्टीकरण छपवाने की बात कही। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारी पहले भी इस बारे में इसी भवन में बैठक हुई थी, जो हमारी 17 अप्रैल को महाकुंभड़ी आयोजन जो करना है उसके बारे में जो भी हमने आज कमेटी का गठन किया है, उसमें हमारी जो है खाने की व्यवस्था और स्टेज की व्यवस्था और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उसमें सब पे और बजट के ऊपर जो है सारा हमने जो है डिस्कस किया और सभी पंचायतों ने इस पर भाग लिया और जिसमें हमें 1,10,000 के आसपास जो है हमारी जो पंचायत की कमेटियाँ हैं उनसे हमें जो है चंदा एकत्रित हुआ है और हम जो है हाटी समुदाय के जितने भी यहाँ पदाधिकारी लोग हैं सबसे अपील करते हैं, पूरे ब्लॉक से अपील करते हैं, शिलाई वालों से अपील करते हैं, रामगढ़ वालों से अपील करते हैं कि इस महाकुंभ में आप अधिक से अधिक संख्या में आए और अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, महिलाएँ भी, पुरुष भी और इसको है नौजवान भी, और इसको एक ऐसा है जो आपने जरूर लोगों के बीच में तैयार करना है। मैं अपील करना चाहूँगा जो पंचायत के हमारे पदाधिकारी हैं, आदि समुदाय के और प्रधान लोग हैं, महिला मंडल के प्रधान हैं, युवक मंडल के प्रधान हैं, कि घर घर जाके आप ऐसा जरूर लोगों के बीच में तैयार करें कि लोगों को जो है ऐसे एक भावना पैदा हो भाई आज हमने जो है एक लड़ने बढ़ने के लिए जो है अपने दिखाना है और हमने सरकार को ये दिखाना है कि हम जो है हाटी समुदाय के लोग आज तक शांत रहे, शांति से आपसे मांगते रहे और अब भी हम शांति से मांगेंगे। 17 तारीख की जो हमारी होली है उसको भी हमारे सरकार से अनुरोध रहेगा, केंद्र सरकार से भी और प्रदेश की सरकार से भी शांतिपूर्ण तरीके से, और इसमें हमने सभी पदाधिकारी को किसी भी पार्टी का हो, तो बीजेपी का पदाधिकारी हो, हमारे कश्यप साहब हो, चाहे हमारे विजय तोमर जी हो, चाहे हर्षवर्धन चौहान जी हो, विनय जी हो, हमारे विधायक हो, दूसरे गंगूराम मुसाफिर जी हो, पूर्व विधायक हो, जितने भी हमारे शादी समिति से जुड़े हुए, इसमें कोई पार्टी का कोई लेवल नहीं है, सबने हमने मिलकर अपने पार्टी लेवल से जो है इसके लिए जो संघर्ष करना है।